गुड मॉर्निंग बच्चों, मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के ई कंटेंट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन क्लासेस सेमेस्टर केमिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने मेरे पॉलीमर इनऑर्गेनिक पॉलीमर जो ऑप्शनल पेपर है, आपका पेपर कोड 505, ठीक है, ऑप्शनल पेपर 2 के लेक्चर 1, 2 एंड 3 आप लोगों ने देखे होंगे। उसमें हम लोगों ने सारे पहला जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द पॉलीमर्स देखा था कि इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स हमारे कितने तरह के हो सकते हैं, कौन कौन से हमारे इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स होते हैं, उन चीजों को हम लोगों ने इसमें देखा था। फिर हम लोगों ने सेकंड लेक्चर जो हमारा था उस लेक्चर में हम लोगों ने बोराजीन के बारे में पढ़ा था कि इनऑर्गेनिक बोराजीन जो हमारा बोराजीन है, बोराजीन को सिंथेसाइज कैसे किया जाता है और सारी उसकी प्रॉपर्टीज देखी थी। देन आफ्टर हम लोगों ने जो हमारा थर्ड लेक्चर था, थर्ड लेक्चर में हम लोगों ने बोराजिन के एप्लीकेशन से देखे थे। आज हम लोग यहाँ पर फोर्थ लेक्चर जो हमारा इनऑर्गेनिक पॉलीमर है उसमें हम लोग बात करेंगे सिलिकॉन्स की, सिलिकॉन से हमारे क्या होते हैं। सिलिकॉन्स भी एक इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक पॉलीमर है आपका, ठीक है। जिस तरह से बोराजिन इंपॉर्टेंट एक इनऑर्गेनिक पॉलीमर था उसी तरह से सिलिकॉन्स भी आपके एक इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक पॉलीमर है। इसका यूज है हमारा वो इंडस्ट्रियल एरिया और दूसरे जो पॉलीमर्स है उनके लिए बहुत बड़े लेवल पर किया जाता है। तो इसको हम लोगों ने लेक्चर 4 में समराइज किया है, जहां पर आप लोगों को जो प्री रिक्विस्टीज है उसमें आप लोगों को बॉन्डिंग नेचर ऑफ सिलिकॉन, जस्ट लाइक मैंने आप लोगों से जो जब बोराजिन स्टार्ट किया था तो बोराजिन के केस में मैंने भी आप लोगों से वहां पे भी बोला था कि जो आपका बोरोन है, बोरोन की जो नेचर है, बॉन्डिंग नेचर है, वो आपको पता होना चाहिए। ऐसा मैं फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग इस लेक्चर को सुनने के पहले आप लोग सिलिकॉन में बॉन्डिंग नेचर क्या होता है उसको आप लोग देख लें। एक्चुअली ये आपका एक ऑप्शनल पेपर है ना, एमएससी थर्ड सेमेस्टर का ये ऑप्शनल पेपर है केमिस्ट्री का। इस पेपर में आप लोग इसको ऑप्शनल की तरह, मतलब जस्ट लाइक आप लोग इसको जो आपके कॉन्सेप्ट हैं उन कॉन्सेप्ट के बेस पर आप इसको समझे कि भाई हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो कॉन्सेप्ट हमारे कितने स्ट्रॉन्ग है कि हम लोग अगर किसी भी बड़े एग्जाम में बैठे हैं तो उसको क्रैक कर पाए, ठीक है। तो अगर हम लोग बोराजिन की जब बात सिलिकॉन की जब बात करें, जैसे लाइक मैंने आपको जब बोराजिन की बात करी थी तो मैंने बोराजिन के केस में भी आप लोगों के साथ में बात की थी कि जो आपके बोराजिन्स होते हैं उन बोराजिन्स में अगर आप लोग देखें तो उस केस में हम लोग जब बोराजिन को देखते हैं तो बोराजिन को के हम लोगों ने वहां पे बोरेन नहीं, जो आपका बोरोन था, बोरोन में हम लोगों ने वहां पे पाई बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट देखा था कि पाई बैक बॉन्डिंग होती इसलिए वो आपके एडिशन रिएक्शंस ज्यादा दे रहा था, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं दे रहा था। ऐसे ही यहाँ पर भी अगर आप लोग बात देखें हम लोग तो आपको इसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए इसके बॉन्डिंग नेचर का, भैया जो हमारा सिलिकॉन है सिलिकॉन में जो बॉन्डिंग नेचर है वो किस तरह का होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये आपका कार्बन फैमिली का एलिमेंट है इसलिए कोवेलेंसी आपकी 4 होती है, ठीक। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे आज का जो हमारे टॉपिक है इस लेक्चर 4 में, हमारे जो आज के कंटेंट होंगे वो होंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सिलिकॉन्स। सिलिकॉन्स के बारे में हम लोग बेसिक पढ़ेंगे कि सिलिकॉन्स हमारा क्या है और किस तरह से इसका इंपॉर्टेंस है। फिर हम लोग सिलिकॉन की सिंथेसिस देखेंगे कि सिलिकॉन्स को कौन कौन सी मेथड से हम लोग सिंथेसाइज कर सकते हैं। देन आफ्टर हम लोग सिलिकॉन्स की प्रॉपर्टी देखेंगे, तो प्रॉपर्टी ऑफ द सिलिकॉन्स, तो दीज थ्री कंटेंट्स हम लोग आज यहाँ पर देखने वाले हैं, इंट्रोडक्शन, सिंथेसिस एंड देन आफ्टर उसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ सिलिकॉन में अगर हम लोग सबसे पहले देखें तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपकी सिलिकॉन में SiO(Si) जो बॉन्ड है वो प्रेजेंट आपका होना चाहिए। मतलब जब सिलिकॉन की आप बात करोगे तो सिलिकॉन में आपका SiO(Si) लिंकेज प्रेजेंट होनी चाहिए तो वो आपके सिलिकॉन्स कहलाएंगे। देखो हम लोग ने डिफाइन किया है यहाँ पर, सिलिकॉन्स में बी रिगार्डेड एज अ वेरी हाई मॉलिकुलर वेट इनऑर्गेनिक पॉलीमर इन विच द सिलोक्सेन यूनिट, जो यहाँ पर SiO(Si) यूनिट है उसको हम लोग कौन सी यूनिट बोलते हैं, सिलोक्सेन। सिलोक्सेन यूनिट SiO(Si) इज द कंटिन्यू फ्रेम वर्क एंड ईच सिलिकॉन एटम इज अटैच टू आर वन आर टू ऑर्गेनिक ग्रुप्स। यहाँ पर जो भी आपका सिलोक्सेन यूनिट है वो यूनिट आपकी जितने फ्रेमवर्क की तरह होगी और इसके साथ में एक सिलिकॉन के साथ में 4 ग्रुप जुड़े होंगे आपके, तो दो तो आपके आपको जस्ट लाइक यहाँ पे दिख रहा है कि SiO(Si) है, तो SiO(Si) है, इट्स मीन दैट कि जो आपका सिलिकॉन है सिलिकॉन के साथ में एक ऑक्सीजन जुड़ा है, बट जो आपका SiO(Si) के साथ में दो, एक SiO(Si) के साथ में दो ऑक्सीजन एंड दो दो अल्काइल ग्रुप यहाँ पर जुड़े हुए आपको मिलेंगे। तो आप लोग इसको बिल्कुल क्लियर कर ले अपने माइंड में कि भाई अगर हम सिलिकॉन से की बात कर रहे हैं तो कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होगा, आपका SiO(Si), ये ग्रुप आपका प्रेजेंट होना ही है उसमें, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, दिस पॉलीमर बी रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल फॉर्मूला आर एन एस आई ओ फोर एन माइनस फोर माइनस एन बाई टू एंड ब्रेकेट बंद करने के बाद में स्मॉल एम। ठीक है, तो आप जनरल फॉर्मूला भी आपसे पूछा जाता है कि भाई जनरल फॉर्मूला किस फॉर्मूले से आप सिलिकॉन को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो जैसे मैंने बोला कि R R की वैल्यू आपकी कितनी हो सकती है, R की वैल्यू आपकी 2 हो सकती है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि भाई जो आपके कौन कौन से किस किस को हम लोगों ने क्या क्या बोला है। वेयर एन वरीज फ्रॉम 0 to 3, जो आपके एन थे, एन जैसे अल्काइल ग्रुप था तो 0 भी हो सकता है भाई। अब इट्स मीन नॉट दैट कि यहाँ पर आपका अल्काइल ग्रुप जुड़ा हो, कोई दूसरा ग्रुप भी यहाँ पर आपका जुड़ सकता है। तो जो स्मॉल एन है वो कितने हो सकते हैं आपके, स्मॉल एन वरीज फ्रॉम 0 to 3 एंड एम मे बी 2 or more than 2। आपकी जो एम है वहां पर जनरल फॉर्मूले में जो हम लोग एम देखे थे कितना सकते हैं, 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं। एंड आर में बी अल्काइल एंड अराइल ग्रुप्स, जो आर है आपका वो अल्काइल भी हो सकता है और अराइल भी हो सकता है। अल्काइल और अराइल में आप डिफरेंस तो जानते हो कि अल्काइल हम किसको बोलते हैं, अराइल हम लोग किसको बोलते हैं। अल्काइल ग्रुप्स जो हमारे होते हैं नॉर्मल कौन से होते हैं, जो आपके एल्केन एल्किन एल्काइन से होंगे, इट्स मीन नॉट एरोमेटिक। बट अराइल ग्रुप्स की बात करते हैं तो हमारे एरोमेटिक ग्रुप्स जो होते हैं वो अगर जुड़े होते हैं। तो ये आर जो है आपका अल्काइल भी हो सकता है, अराइल भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि आप पॉलीमर सिलिकॉन के कौन से पॉलीमर की आप बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सिलिकॉन्स पॉलीमर पजेस वेरी यूजफुल प्रॉपर्टीज सच एज, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज भैया यूजफुल, तो देखो सबसे पहले रिमार्केबल स्टेबिलिटी ओवर वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। आप देख रहे हैं कि वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर कितना दिया है, -70 degree to 250 degree centigrade, मतलब नेगेटिव टू 250 डिग्री सेंटीग्रेड इतना पॉजिटिव टेम्परेचर तक अगर आप देख रहे हैं उसको, तो इतना ज्यादा डिफरेंस, मतलब अगर आप इसके किसी भी पॉलीमर्स को आप इसके पॉलीमर को कहां से कहां तक यूज कर सकते हैं, -70 to 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप लोग यूज कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि अगर मतलब इतनी ब्रॉड रेंज है, मतलब हम लोग ने जस्ट लाइक मैंने एक सिलिकॉन लिया और सिलिकॉन का एक ऐसा कवर बना लिया पॉलीमर का जिसे मुझे कोल्ड प्लेस भी यूज करना है, जस्ट लाइक जहां पर आपका स्नोफॉलिंग होती है, तो स्नोफॉलिंग होती है वहां पर अगर आपको यूज करना है तो आप वहां पर इसको यूज कर सकते हो। वहां पर जस्ट लाइक अगर दूसरे किसी उसको करोगे तो हो सकता है कि नॉर्मल जो आपका नेगेटिव टेम्परेचर है उसको उसकी स्प्लिटिंग हो जाए, है ना, या फिर उसका डिकम्पोजिशन हो जाए। ठीक है, इसलिए इसकी रिमार्केबिलिटी रिमार्केबल स्टेबिलिटी ओवर वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम -70 to 250 डिग्री सेंटीग्रेड, इतनी वाइड जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर की रेंज में इसका यूज किया जा सकता है। सेकंड है गुड वाटर रिप्लेंसी। गुड वाटर रिप्लेंसी इट्स मीन जैसे वाटर अगर इसके ऊपर गिरता है या वाटर से कांटेक्ट में आता है तो वो इसके साथ में रिएक्शन नहीं करेगा, मतलब ये क्या करता है वाटर को रिपेल करता है, तो गुड वाटर रिप्लेंसी है इसकी प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो केमिकल एंड फिजियोलॉजिकल इनर्टनेस। आप इसको टेम्परेचर हम लोग क्यों बोल दे रहे केमिकल एंड फिजियोलॉजिकल इनर्टनेस है, अगर हम लोग टेम्परेचर की बात करें, हम लोगों ने इतना ज्यादा टेम्परेचर लिया उस टेम्परेचर पर भी इसमें कोई भी चेंज नहीं आएंगे। अगर टेम्परेचर की बात करें माइनस में ले रहा हूं तो भी इसमें चेंज नहीं आ रहा है, प्लस में ले रहा हूं तो भी चेंज नहीं आ रहा है, मीन्स इट्स मीन केमिकल इनर्टनेस हो गई, भाई केमिकल जो हम लोगों ने ये प्रोडक्ट लिया है ये केमिकल कैसा है, इनर्ट है। ठीक है, तो केमिकल एंड फिजियोलॉजिकल इनर्टनेस। ठीक है, गुड रेजिस्टेंस टू इफेक्ट ऑफ वेदरिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप ये सारे जो पॉइंट्स हैं, इन सारे पॉइंट को आप जो पहला पॉइंट था हमारा रिमार्केबल स्टेबिलिटी एट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर -75 degree centigrade to 250 degree centigrade, उससे आप इन सभी को देख सकते हैं कि वेदर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप कोल्ड कंट्रीज की बात करते हैं वहां पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, जहां पर ज्यादा टेम्परेचर है वहां पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं, तो वेदर का इस पर इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, केमिकल एंड फिजियोलॉजिकल इनर्टनेस। ठीक है, बट अब ये तो हमने देखा कि ये प्रॉपर्टीज हैं, पर दीज प्रॉपर्टीज ऑफ सिलिकॉन पॉलीमर्स आर ड्यू टू किसकी वजह से होती हैं, ये तो अगर हम लोग देखें तो हम लोग सबसे पहले देयर मॉलिक्यूलर साइज, इनका मॉलिक्यूलर साइज डिफाइन करता है इनकी प्रॉपर्टीज को कि भाई मॉलिक्यूलर साइज, हाँ मॉलिक्यूलर साइज से हम लोग इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बता सकते हैं कि भाई मॉलिक्यूल हमारा जो बना है उसके अकॉर्डिंग इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, उसका डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कितना होगा, वो सारी चीजें हम लोग इससे बता सकते हैं देयर मॉलिक्यूलर साइज। ठीक है, द नंबर ऑफ टाइप ऑफ ऑर्गेनिक ग्रुप अटैच ऑफ टू सिलिकॉन। सिलिकॉन में हम लोगों ने जो आपके ऑर्गेनिक मैंने क्या बोला था, अराइल एंड अल्काइल ग्रुप्स, जिनको मैंने क्या लिखा था आर,
आर हमारे या तो अल्काइल हो सकते हैं अराइल हो सकते हैं, तो कितने हैं उनके ऊपर डिपेंड करेगा, कौन सा ग्रुप है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिक ग्रुप्स अटैच टू सिलिकॉन, सिलिकॉन के साथ में जो ग्रुप जुड़े हैं उन पर डिपेंड करेगा। दूसरा, कितने ग्रुप जुड़े हुए हैं उनके ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो अभी हम जब यहाँ पर देखेंगे इसका पॉलीमराइजेशन देखेंगे हम लोग, तो मैं वहां पर आपसे फिर इसको डिस्कस करूंगा, ठीक है। थर्ड वन, द कॉन्फिग्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, कॉन्फिगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल इट्स मीन जो आपके अराइल एंड अल्काइल ग्रुप्स हैं वो ग्रुप्स आपके किस तरह से कॉन्फिगरेटेड हैं इन जो आपका ज्योमेट्री होगी उस ज्योमेट्री में कैसे वो आपके अलाइन है, किस तरह से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग बोलेंगे कॉन्फिगरेशन ऑफ दी मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये कारण थे जिनकी वजह से उसका जो यूटिलिटी है वो यूटिलिटी बढ़ जाती है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, उसकी वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस बढ़ जाते हैं इन वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सिंथेसिस ऑफ द सिलिकॉन। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिलिकॉन रिक्वायर्स द फॉलोइंग थ्री स्टेप्स, तीन स्टेप्स में हम लोग इसको सिंथेसाइज कर पाते हैं। इट इज नॉट वन स्टेप रिएक्शन, कितनी स्टेप्स लगती है हम लोगों को, थ्री स्टेप्स लगती है। तो सिंथेसिस के लिए देखिए हम लोग इसको कितनी स्टेप में सिंथेसाइज करते हैं, थ्री स्टेप में। तो पहली स्टेप है हमारी प्रिपरेशन ऑफ इंटरमीडिएट, सबसे पहले हम लोग इंटरमीडिएट फॉर्मेशन करते हैं, उनका सिंथेसिस करते हैं, उनका कॉलिसेंस करते हैं, ठीक है। फिर हम लोग करते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ इंटरमीडिएट, जो इंटरमीडिएट बना है उसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। देन आफ्टर सी हम लोग देखते हैं पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्काइल और हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव्स, फिर हम लोग उसका पॉलीमराइजेशन करवाते हैं। पॉलीमराइजेशन करवाने पर हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है वो देखते हैं। तो आप लोगों से कई बार पूछा भी जाता है क्वेश्चन की सिलिकॉन्स कितनी स्टेप्स में बनाया जाता है, कितनी स्टेप्स रिक्वायर होती है। तो यू आर ऑल्सो ऑलवेज रिमेंबर सिलिकॉन्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिलिकॉन्स रिक्वायर द थ्री स्टेप्स। फर्स्ट वन प्रिपरेशन ऑफ इंटरमीडिएट, सेकंड वन हाइड्रोलिसिस ऑफ इंटरमीडिएट, एंड थर्ड वन पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्काइल और हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स। जो आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ इंटरमीडिएट वाली जो सेकंड स्टेप है, उस स्टेप में जो आपका इंटरमीडिएट बनता है उस इंटरमीडिएट का आप फर्दर क्या करवाते हो, पॉलीमराइजेशन करवाते हो, ठीक है। तो जो इंटरमीडिएट बना था उसका आप जब हाइड्रोलिसिस, आपकी जो बी वाला है उसका नाम ही हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलिसिस जब आप करवाओगे तो इसमें कौन से ग्रुप आ जाएंगे, आपके हाइड्रोक्सी ग्रुप हो जाएंगे, और हाइड्रोक्सी ग्रुप का वाले जो आपके डेरिवेटिव बने उनका फर्दर आप क्या करवा दोगे सी में, आप उनका क्या करवा दोगे, उनका पॉलीमराइजेशन करवाओगे। तो सबसे पहले आप लोग याद रखें, पहला नंबर आप लोग क्या करवा रहे हो, प्रिपरेशन ऑफ इंटरमीडिएट, दूसरा नंबर आप उसका हाइड्रोलिसिस करवा रहे हो, तीसरे नंबर जब आपके पास में हाइड्रोक्सिल ग्रुप बन गए तो उन हाइड्रोक्सिल ग्रुप को आप जोड़ करके क्या करवा रहे हो, वाटर मॉलिक्यूल निकाल रहे हो, इट्स मीन यू डूइंग द पॉलीमराइजेशन, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग प्रिपरेशन स्टेप ए देखते हैं, प्रिपरेशन ऑफ इंटरमीडिएट्स की, इंटरमीडिएट्स का प्रिपरेशन हम लोग किस तरह से करते हैं। तो अगर आप लोग देखेंगे कि इंटरमीडिएट का प्रिपरेशन हम लोगों ने किस तरह से किया है, तो देखिए आप इंटरमीडिएट का प्रिपरेशन, द इंटरमीडिएट रिक्वायर द वेरियस ऑर्गेनिक क्लोरोसिलेंस ऑफ विच मिथाइल इथाइल और फिनाइल क्लोरोसिलेन आर ऑफ सिग्निफिकेंट इंडस्ट्रियल सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो इसमें क्लोरोसिलेंस लेना होता है आपको, है ना। अब क्लोरोसिलेंस के आप कौन से डेरिवेटिव लेते हो, या तो मिथाइल लेते हो या इथाइल लेते हो या फिर फिनाइल क्लोरोसिलेंस लेते हो, और ये मिथाइल इथाइल फिनाइल क्लोरोसिलेंस आप ले करके, मतलब ये कौन से ग्रुप हो गए आपके, अल्काइल ग्रुप, जो हम लोगों ने जनरल फॉर्मूले में देखे थे कि आर क्या हो सकता है आपका, अराइल भी हो सकता है और अल्काइल भी हो सकता है। तो अगर आप मिथाइल इथाइल ले रहे हो तो वो क्या हो गया आपका, अल्काइल हो गया, और अगर आप फिनाइल ले रहे हो तो क्या हो जाएगा आपका, जो होगा वो आपका अराइल हो जाएगा, ठीक है। तो ऑर्गेनिक क्लोरोसिलेंस में जब आप लोग बात करते हैं, भैया हमारे पास में फिनाइल क्लोरोसिलेन है, फिनाइल क्लोरोसिनेल तो आप सिलेन है, तो आपने क्या किया, सिलिकॉन का क्लोरो डेरिवेटिव विद फिनाइल है, चलो ठीक है। इसका फॉर्मूला अगर आप लोग देखें तो देखो ये किस तरह से हम लोग इनको बनाएंगे। सबसे पहले हमारे पहले स्टेप में जो इंटरमीडिएट्स बनाने हैं उसमें फिर हमारी फर्दर स्टेप्स हैं, तो उसमें कौन कौन सी स्टेप्स हैं उन स्टेप्स को आप देखो, मतलब कौन कौन सी मेथड्स हैं आपके इंटरमीडिएट बनाने की। तो उसमें जो पहली मेथड है आपकी डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड, इस मेथड में आप डायरेक्ट मतलब क्लोरो जो सिलेंस थे उनको सिंथेसाइज कर सकते हो इंटरमीडिएट्स को, ठीक है। तो इंटरमीडिएट मिथाइल क्लोरोसिलेन आर प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग मिथाइल क्लोरो क्लोराइड विद सिलिकॉन कैटलाइज बाय कॉपर एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आपको मिथाइल क्लोरोसिलेन बनाना है तो मिथाइल क्लोरोसिलेन के केस में आप लोग क्या करते हैं, मिथाइल क्लोरोसिलेन में आप हाई टेम्परेचर पर मिथाइल क्लोराइड लेते हैं इन द प्रेजेंस, ठीक है, और सिलिकॉन के साथ में उसकी रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर
एज अ कैटलिस्ट। कॉपर को आप एज अ कैटलिस्ट लेते हैं और साथ जब आप रिएक्शन करवाते हैं तो आपको क्लोरोसिलेन मिलते हैं। तो मैंने आपसे अभी बोला था कि सिलिकॉन के साथ में आपने क्या किया, देखिए यहाँ पर फॉर्मूला आपका कि आपने कितने मॉलिक्यूल लिए, मिथाइल क्लोरो मिथाइल के टू मॉलिक्यूल्स आपने लिए, सी एस थ्री सी एल के टू मॉलिक्यूल्स लिए हैं और रिएक्शन आपने सी एस आई के साथ में करवाई कॉपर की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो आपने क्या किया देखिए, सी एस थ्री होल ट्वाइस, सी एस थ्री होल ट्वाइस एस आई सी एल टू, यह आपका प्रोडक्ट बना जिसको हम लोगों ने क्या बोला क्लोरोसिलेन। क्या है ये आपका क्लोरोसिलेन, मिथाइल क्लोरोसिलेन, क्यों, क्योंकि अल्काइल है सी एस थ्री, क्या हो गया आपका मिथाइल, तो इट इज अ पार्ट ऑफ अल्काइल, तो क्या हो गया आपका डाई मिथाइल क्लोरोसिलेन, कौन सा हो गया डाई मिथाइल क्लोरोसिलेन एंड यहाँ पर लिखा अदर कंपाउंड। तो जब आप रिएक्शन करवाते हो तो आपको जब आपने क्लोरो मिथाइल जो क्लोरो मिथाइल क्लोरो लिया है, मैंने क्लोरो मिथाइल लिया है, क्लोरो मिथाइल की रिएक्शन आपने सिलिकॉन के साथ में करवाई है, तो आपको डाई मिथाइल क्लोरोसिलेन तो मिलते ही, उसके साथ में आपको अदर मिक्सचर्स भी मिलते हैं। ठीक है, तो मिक्सचर की अपन बात थोड़ी सी देर से करेंगे, बट अभी आप देखिए कि आपका जो क्लोरोसिलेन है, मिथाइल क्लोरोसिलेन है, डाई मिथाइल क्लोरोसिलेन है, उसमें आपका जो प्रोडक्ट मिला है आपको डायरेक्ट मेथड से क्या मिला है, सी एस थ्री सी एस थ्री एस आई सी एल सी एल, मतलब जो आपका सिलिकॉन है सिलिकॉन के साथ में आपके दो मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं और एक आपका सॉरी दो आपके क्लोराइड ग्रुप जुड़े हुए हैं, आपका मिथाइल क्लोरो सिलेन। तो मिथाइल क्लोरो सिलेन को आपने डायरेक्ट मेथड से बना लिया मिथाइल क्लोरो सिलेन, ठीक है, बट अगर जो आपको मिक्सचर मिला है उस मिक्सचर को, ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा है कि द एग्जिस्ट गैसेस आर कंडेंस एंड द मिक्सचर ऑफ द मिथाइल क्लोरोसिलेन कैन बी सेपरेट बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जो अदर कंपाउंड बना है उन अदर कंपाउंड को भी तो आपको अलग करना होगा, क्योंकि अगर उन अदर उन जो मिक्सचर मिला है उस मिक्सचर को आपको अलग करना है, तो जब आप उसको अगर अलग नहीं कर रहे हो तो आप क्लोरोसिलेन को डिफाइन नहीं कर सकते भी क्लोरोसिलेन, वो तो मिक्सचर मिला है आपको, तो जो गैसेस मिली हैं जो कंडेंस गैसेस आपको मिली हो उसमें वो, क्योंकि मिथाइल है तो ऑब्वियसली गैसेस तो मिलेंगी, तो जो मिथाइल गैसेस मिली हैं वो गैसेस मिथाइल क्लोरोसिलेन कैन बी सेपरेट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब यूज करते हैं हम लोग, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज हम लोग जब करते हैं जब जो हमारे जो गैसेस हों उनके मेल्टिंग पॉइंट में, सॉरी नॉट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में, बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस होता है वो बहुत कम होता है, तो हम लोग वहां पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के केस में आपकी जो गैसेस होती है उनके बीच में जो गैस का मिक्सचर मिला है आपको, वो गैस के मिक्सचर के बीच में आपका जो टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर जो उनका बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस होगा बहुत कम होगा, और बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस होगा वो वेरी लिटिल डिफरेंस होने की वजह से क्या होता है, सेपरेट बाय द फ्रैक्शनल, तो होने की वजह से आप लोग उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, आप नॉर्मल डिस्टिलेशन यूज नहीं कर सकते, तो आप किसके यूज करते हो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का आप लोग यूज करते हो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से उसको आप लोग आइसोलेट करते हो। बट अगर जो आपको मिक्सचर मिला है उस मिक्सचर को, ठीक है, आप मिक्सचर ऑफ सी एस थ्री सी एल मिथाइल क्लोरोसिलेन सॉरी मिथाइल क्लोरोमिथाइल एंड एच सी एल इज हीटेड विद एस आई कैटलाइज्ड बाय द कॉपर एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड, द मेन प्रोडक्ट इज सी एस थ्री एस आई सी एल थ्री। आपने जब क्लोरोमिथाइल लिया था उसको अगर आपने कॉपर कैटलिस्ट लिया और उसके साथ में सिलिकॉन की रिएक्शन करवा करके जब आप लोग उसकी रिएक्शन करवा रहे थे तो आपको डाई मिथाइल क्लोरोसिलेन मिल रहा था। बट अगर जो मिक्सचर है आपका क्लोरोमिथाइल का क्लोरो, उसको अगर आप HCl के साथ में रिएक्शन करवाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ सिलिकॉन एंड कैटलिस्ट यूज्ड बाय द कैटलिस्ट कॉपर एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड, द मेन प्रोडक्ट इज मिथाइल क्लोरोसिलेन, डाई मिथाइल नहीं बोल रहा हूं, मिथाइल क्लोरो, मतलब आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड क्लोरोसिलेन मिलेगा। तो यहां पर आपको क्या मिल रहा है, मिथाइल ट्राइक्लोरोसिलेन, ठीक है, देखिए रिएक्शन अगर आपने HCl के साथ में रिएक्शन करवाई है, तो अगर आपने HCl के साथ में जब रिएक्शन नहीं करवाई थी डायरेक्ट मेथड में हमने इससे पहले वाले में देखा था, तो उस केस में हम लोगों को क्या मिल रहा था, उस केस में जो हम लोगों को प्रोडक्ट मिल रहा था वो हम लोगों को डाई मिथाइल क्लोरोसिलेन मिल रहा था, यहाँ पे क्या मिल रहा है हमको मिथाइल क्लोरोसिलेन। तो ये मिथाइल क्लोरोसिलेन जो आपका क्या है, मोनोमिथाइल ट्राई क्लोरोसिलेन भी आप लोग इसको बोल सकते हो, हाइड्रोजन गैस क्या होती है आपकी रिलीज होती है। तो यहाँ पे देखिए आप नीचे जो फॉर्मूला है आपका उसमें क्या है, एस आई के साथ में कौन जुड़ा हुआ है, सी एल सी एल सी एल थ्री सी एल एटम्स एंड सी एस थ्री, बट जब आपने डाई मिथाइल क्लोरोसिलेन का केस देखा था तो वहां पर आपने देखा था कि वहां पर टू सी एस थ्री ग्रुप जुड़े थे, सिर्फ डिफरेंस किसकी वजह से हो गया है, एस सी एल की वजह से, कि हमने ये जो रिएक्शन करवाई किसकी प्रेजेंस में करवाई है, एस सी एल की प्रेजेंस में करवाई है, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सिंथेसिस में। तो पहले हम लोगों ने देखा है कि डायरेक्ट मेथड से हम लोगों ने इंटरमीडिएट जो क्लोरोसिलेन है उसको हम लोगों ने कैसे बनाया। फिर अब हम लोग देख रहे हैं ग्रेडनार्ट रिएजेंट। ग्रेडनार्ट रिएजेंट से आप लोग बहुत अच्छे से परिचित हैं। क्या होता है हमारा RMGX, R अल्काइल अराइल ग्रुप्स हो सकते हैं, Mg मैग्नीशियम है एंड X क्या है आपका क्लोरीन है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज हम लोग करके जो हमारे इंटरमीडिएट्स हैं उनको हम लोग बना सकते हैं। यूज ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हम लोगों ने देखो क्या क्या किया है। अल्काइल एंड अराइल क्लोरोसिलेन कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर बाय द एक्शन ऑफ प्योर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन SI ऑन टेट्राक्लोरो सिलिकॉन। जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी आप लोग इसको बना सकते हो। कैसे बना सकते हैं, अगर आप अल्काइल और अराइल क्लोरोसिलेंस को बना सकते हैं प्योर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट GR, यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने इसको ऊपर भी जहाँ पर यूज ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला जो स्टेप है उसमें भी G.R के साथ में लिख दिया है इसलिए आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो अल्काइल और अराइल क्लोरोसिलेन कैन एक्ट एज बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ प्योर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन SiCl4। SiCl4 के साथ में अगर आप GR की रिएक्शन करवाते हैं तो आपको क्लोरोसिलेन के वेरियस डेरिवेटिव्स मिलते हैं, ठीक है। अगर आपको मोनोक्लोरोसिलेन बनाना है तो उस केस में आप SiCl4 के साथ में आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करवाते हैं RMGCl की, तो आपको मोनोक्लोरोसिलेन मिलता है प्लस MgCl2 मिलता है। बट अगर आप टू एटम्स लेते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के, टू एटम्स नॉट टू मॉलिक्यूल्स अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लेते हैं जिसमें टू आर एम जी एक्स एक्स की जगह पर Cl है प्लस SiCl4 के साथ में आप रिएक्शन करवाते हैं तो आपको डाइमिथाइल क्लोरोसिलेन मिलता है, डाइमिथाइल डाइक्लोरोसिलेन, ठीक है। आप अगर मोनोक्लोरोसिलेन बनाना चाहते हैं तो आप 1:1 में रिएक्शन करवाएं, अगर आप डाइक्लोरोसिलेन बनाना चाहते हैं तो आप 1:2 में रिएक्शन करवाएं किसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और आपका जो क्लोरोसिलेन है उसकी, ठीक है, 2:1 में आप लोग उसकी रिएक्शन करवाएं, ठीक है। अगर आप सिर्फ ट्राई मिथाइल या ट्राई अल्काइल क्लोरोसिलेन बनाना चाहते हैं तो आप फिर 3 मॉलिक्यूल्स लें किसके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के और उनकी रिएक्शन आप जब करवाएंगे तो आपको 3 मिथाइल क्लोरोसिलेन आपको कंपाउंड मिलेगा, ठीक है। तो इंटरमीडिएट आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बना सकते हैं और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनाना देखो कितना आसान है। आसान से मतलब ये है कि आप कौन सा रेशियो चाहते हैं, आप मोनोक्लोरोसिलेन चाहते हैं, आप डाइक्लोरोसिलेन चाहते हैं, आप ट्राइक्लोरोसिलेन चाहते हैं, आप क्या बनाना चाहते हैं। तो जिसको आप बनाना चाहते हैं वो आप इसके थ्रू बना सकते हैं कि भाई अगर हम मोनोक्लोरोसिलेन बनाना चाहते हैं तो हम RSiCl3 ले लें, सॉरी RMGX जो है हमारा उसका 1 मॉलिक्यूल ले लें। अगर हम लोग डाइमिथाइल क्लोरोसिलेन बनाना चाहते हैं तो हम 2 मॉलिक्यूल ले लें, अगर हम लोग ट्राइमिथाइल क्लोरोसिलेन बनाना चाहते तो हम लोग 3 मॉलिक्यूल ले लें। तो इट्स डिपेंड ऑन विच काइंड ऑफ द क्लोरोसिलेन यू आर रिक्वायर्ड यू वॉन्ट, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा। तो ये आपका जो RMGCl है, RMGC जो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डिफाइन करता है कि आपको कौन सा आप कौन सा क्लोरोसिलेन बनाना चाहते हो, ठीक है। थर्ड वन मेथड है हमारी जिसके थ्रू हम लोग इंटरमीडिएट को बना सकते हैं, एरोमेटिक सिलाइलेशन। एरोमेटिक सिलाइलेशन में हम लोग क्या करते हैं, फिनाइल क्लोरोसिलेन आर ऑब्टेन बाय हीटिंग बेंजीन एंड अदर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग SiH बॉन्ड्स कैटलाइज बाय BF3, BCl3 एंड और AlCl3। तो अगर आपको फिनाइल क्लोरोसिलेन बनाना है, जैसे मिथाइल क्लोरोसिलेन में हम लोगों ने देख लिया कि हम मिथाइल क्लोरोसिलेन हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बना सकते हैं, वैसे फिनाइल क्लोरोसिलेन भी हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बना सकते हैं, बट इट इज एरोमेटिक सिलाइलेशन, इट्स मीन स्पेसिफिक रिएक्शंस फॉर फिनाइल क्लोरोसिलेन या एरोमेटिक अराइल क्लोरोसिलेंस जो है आपके उनके लिए, ठीक है। तो हमें ऐसे हाइड्रोकार्बन से हम लोग लें जिनमें SiH बॉन्ड आपका प्रेजेंट हो, सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड बॉन्ड आपका अगर प्रेजेंट है उनमें तो उनकी रिएक्शन हम लोग BF3, BCl3, AlCl3 के साथ में करवाएं किसकी प्रेजेंस में, इनको यूज करते हुए ऐसे जो आपके एरोमेटिक सब्सटेंस है उनके साथ में अगर हम लोग उनकी रिएक्शन करवाएं तो हमको हमारे कौन से प्रोडक्ट्स मिलते हैं, एरोमेटिक एरोमेटिक सिलाइल एरोमेटिक सिलेंस मिलते हैं।
जस्ट लाइक हम लोगों ने बेंजीन की रिएक्शन करवाई SI C6H6 plus HSICl3 कैटलिस्ट हम लोगों ने यहाँ पे लिया हीट की प्रेजेंस में, तो हम लोगों को जो फिनाइल क्लोरोसिलेन फिनाइल ट्राइक्लोरोसिलेन मिला है और H2S रिलीज हुई है, ठीक है। तो ये सिंथेसिस थी हमारी एरोमेटिक के थ्रू। नेक्स्ट फोर्थ वन जिसके थ्रू हम लोग इसको सिंथेसिस कर सकते हैं, बाय ट्रीटिंग अल्कीन्स और अल्काइन्स विद हैलोसिलेंस और ऑर्गेनोहैलोसिलेंस कंटेनिंग वन और मोर SIH बॉन्ड्स। आप अल्काइन से भी बना सकते हैं और आप इनको एल्किन से भी बना सकते हैं, ठीक है, ऐसे जिनके साथ में आपके SIH बॉन्ड्स प्रेजेंट हो। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा ट्राइक्लोरो सिलिकॉन हाइड्राइड की रिएक्शन अगर हम लोग एल्किन के साथ में करवाते हैं 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो भी हमको हमारे क्लोरोसिलेन डेरिवेटिव्स मिलते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है CH3SiCH2CH2R, ठीक है, इट्स अ डेरिवेटिव ऑफ द क्लोरोसिलेन। कौन सा क्लोरोसिलेन है आपका? मोनो अल्काइल क्लोरोसिलेन, ठीक है, तो मोनो अल्काइल क्लोरोसिलेन है यहाँ पर, ठीक है। सेकंड वन, अगर हम लोग इसकी रिएक्शन किसी ऐसे जिस लाइक यहाँ पर हमने हाइड्राइड को रिप्लेस कर दिया मिथाइल ग्रुप के साथ में, CH3SiCl3 है उसके साथ में अगर हम लोग इसकी रिएक्शन करवाते 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो भी हम लोगों को हमारे क्लोरोसिलेन डेरिवेटिव्स मिलते हैं। तो हम लोग अल्कीन एंड अल्काइन से दोनों से ही जो हमारे डेरिवेटिव्स हैं उन डेरिवेटिव्स को हम लोग सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो ये हमारी जो मेथड थी, क्या थी, सबसे पहले जो स्टेप थी वो थी हमारी इंटरमीडिएट का सिंथेसिस, कि भाई हमने इंटरमीडिएट्स को बना लिया। अब इंटरमीडिएट्स को बनाने के बाद में हम लोगों की जो सेकंड स्टेप होती है वो होती है हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ इंटरमीडिएट, हम जो हमारे इंटरमीडिएट बने हैं उनका अब हम लोग हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। हाइड्रोलिसिस में आप देखिए कि हाइड्रोलिसिस जब हमारा हो रहा है तो हाइड्रोलिसिस में क्या हो रहा है, ठीक है। अब नेम से आपको वैसे तो समझ में आ जाएगा कि हाइड्रोलिसिस मतलब क्या हुआ। हाइड्रोलिसिस मतलब lysis of the molecule in the presence of water, पानी की उपस्थिति में उस मॉलिक्यूल का तोड़ देना, ठीक है। तो hydrolysis of the chlorosilane gives alkyl and aryl hydroxy derivatives of SiCl4 called xenols, क्या बोलेंगे इनको, सिलेनोल्स, ठीक है, सिलेनोल्स, नोल्स वर्ड यू, नोल्स जो टर्म है वो यहाँ पर यूज हुई है, जस्ट लाइक हम लोग किसमें यूज करते हैं नोल्स को, एल्कोहल्स में। तो आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं आ रहे, हाइड्रोक्सी ग्रुप आ रहे हैं इसमें, हाइड्रोक्सी ग्रुप आने की वजह से आपका जो डेरिवेटिव है वो कौन सा आ रहा है, नॉल आ रहा है। तो देखिए आप, हाइड्रोलिसिस ऑफ क्लोरोसिलेन गिव्स अल्काइल एंड अराइल हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ SiCl4 मतलब टेट्राक्लोरो सिलिकॉन कॉल्ड सिलेनोल्स। अगर हम लोग इसकी रिएक्शन करवाते तो क्या मिलता है हमको, सिलेनोल्स। देखिए हम लोगों ने यहाँ पर लिया है हमारा ट्राइक्लोरो सिलिकॉन और इसकी रिएक्शन हम लोगों ने HOH मतलब वाटर के साथ में करवाई है, तो हमको क्या मिला है, RiRSiOH3+3HCl। तो ये जो डेरिवेटिव हमको मिला है इंटरमीडिएट, ये जो इंटरमीडिएट मिला था उसका हम लोगों ने हाइड्रोलिसिस करवाया क्लोरोसिलेन का, तो अब हमको क्या मिल रहे हैं, सिलेनोल्स मिल रहे हैं। सिलेनोल्स में ये हमारा ट्राई हाइड्रोक्सी मिथाइल सिलिकॉन है, ठीक है, जिसमें हमें तीन मॉलिक्यूल HCl के मिल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट में हमारे पास में यहाँ पर अगर हम लोग इसकी रिएक्शन करवाते हैं किसके, R2SiCl2 के साथ में, यहाँ पर आप देखिए मैंने यहाँ पर पहली जो रिएक्शन थी उसमें एक अल्काइल ग्रुप लिया था जो सिलिकॉन के साथ में जुड़ा था, अभी मैंने यहाँ पर दो अल्काइल ग्रुप लिए हैं जो सिलिकॉन के साथ में जुड़े हैं। तो R2SiCl2 प्लस 2HOH, 2HOH, ठीक है, तो ये R2SiOH होल ट्वाइस प्लस जो आपने अल्काइल ग्रुप लिया है या आपने जो सिलिकॉन के साथ में जो ग्रुप अल्काइल ग्रुप है वो कितने ग्रुप से जुड़े हुए हैं। अगर सिलिकॉन के साथ में आपके एक जो इंटरमीडिएट था उसमें आपका मोनो मिथाइल क्लोरोसिलेन है तो आपको मोनो ट्राइहाइड्रोक्सी मिलेगा, अगर आपका डाई है तो आपको डाइहाइड्रोक्सी मिलेगा, आपका ट्राई है तो आपको मोनोहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव मिलेगा। जस्ट लाइक देखिए यहाँ पर अब हम लोगों ने क्या लिया है, ट्राई मिथाइल क्लोरोसिलेन लिया है, तो ट्राई मिथाइल क्लोरोसिलेन का जब हाइड्रोलिसिस करवाया किया हम लोगों ने, तो अब हम लोगों को मोनोहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव मिला है सिलेनोल्स का। मोनोहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स इट्स मीन सिर्फ वन OH हमारे पास में प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गया हम लोगों का, ये हो गया हम लोगों का हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो द जनरल हाइड्रोलिसिस रिएक्शन
कैन बी रिटन एज, आपको पता है कि जनरल जो रिएक्शन होगा हम कैसे लिख सकते हैं, क्लोरोसिरेन लेंगे, उनकी रिएक्शन हम लोगों ने वाटर के साथ में की है, तो हमको क्या मिल रहे हैं, सिरेनॉल्स मिल रहे हैं प्लस HCl मिल रहा है। अच्छा, HCl मिलने की वजह से आपका मीडिया कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, इस बात को आप ध्यान रखें, है ना। अब मीडिया एसिडिक हो जाएगा तो जो आपके OH होंगे उनका प्रोटोनेशन भी संभव है ना। तो चीजों को थोड़ा सा क्लियर करके रखें आप, कि जो आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो उससे ज्यादा क्लियर होंगे, ठीक है। तो जनरल हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कैन बी रिटन एज क्लोरोसिलेन प्लस वाटर, तो क्या बनाते हैं, सिलेनॉल्स, सिलेनॉल्स प्लस HCl, दो आपको मिलता है हमेशा, कि जब भी आप हाइड्रोलिसिस करवाते हो क्लोरोसिलेन्स का, तो आपको सिलेनॉल्स मिलते हैं प्लस HCl गैस मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा हाइड्रोलिसिस था। अब हम लोग उसका देखते हैं पॉलीमराइजेशन, कि भाई पॉलीमराइजेशन कैसे हुआ हमारा। सी जो स्टेप है, हमने तीन स्टेप देखी थी। सबसे पहले हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ इंटरमीडिएट देखा है, प्रिपरेशन ऑफ इंटरमीडिएट के बाद में हम लोगों ने देखा है उसमें कि जो हमारा प्रिपरेशन ऑफ इंटरमीडिएट हो गया, फिर हम लोगों ने उसका हाइड्रोलिसिस देखा है। तो प्रिपरेशन ऑफ इंटरमीडिएट जो हमने पहले स्टेप देखी थी, इसमें हम लोगों ने डायरेक्ट मेथड देखी, ग्रेनार्ड रिएजेंट देखा, फिर अल्काइल जो अराइलेशन देखा था, एरोमेटिक अराइलेशन देखा था, फिर हम लोगों ने अल्काइल के साथ में देखा, फिर हम लोगों ने जो नेक्स्ट बी स्टेप थी हमारी, बी में हम लोगों ने हाइड्रोलिसिस देखा। हाइड्रोलिसिस में जो हमारे क्लोरोसिलेन मिले थे उनको हम लोगों ने वाटर के साथ में रिएक्शन हाइड्रोलिसिस करवाया, जिससे हम लोगों को सिलेनॉल्स मिले। और अब इन सिलेनॉल्स का हम लोग जो थर्ड स्टेप हमारी फाइनल स्टेप है सिंथेसिस की, उसमें हम लोग ने क्या करवा रहे, पॉलीमराइजेशन करवा रहे, ठीक है। तो हम देखते हैं कि पॉलीमराइजेशन हमारा किस तरह से हो रहा है। पॉलीमराइजेशन जो सी स्टेप है हमारी, पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्काइल और हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स। तो जो हाइड्रोक्सी और अल्काइल डेरिवेटिव्स हमारे बने हुए हैं, और हाइड्रोक्सी और अल्काइल डेरिवेटिव्स का हम क्या करवा रहे हैं, पॉलीमराइजेशन करवा रहे हैं। पॉलीमराइजेशन, अब आपको यहाँ पर चीजें समझ में आनी चाहिए, कि नेम से पता चल रहा है कि हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स हमारे हाइड्रोक्सी सिलेनॉल्स जो बने हैं, सिलेनॉल्स में क्या है हमारा, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स हैं, तो जो सिलेनॉल्स बने हैं उनका हम लोग यहाँ पे पॉलीमराइजेशन करवा रहे हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट देखिए, पॉलीमराइजेशन इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स। ऑब्वियसली पता ही है कि पॉलीमराइजेशन में क्या होगा, आपका रिमूवल ऑफ H2O, H2O के मॉलिक्यूल्स आपके निकलेंगे पॉलीमराइजेशन में, ठीक है। तो पॉलीमराइजेशन जब भी आपका होगा तो उसमें आपके H2O के मॉलिक्यूल्स रिमूव होंगे, ठीक है। विद द फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द सिलिकॉन्स, आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलिकॉन्स फॉर्मेशन होंगे, जिनमें पॉलीमराइजेशन के ड्यूरेशन में आपके H2O के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, रिमूव। सेकंड पॉइंट है आपका, द टाइप ऑफ सिलिकॉन्स ऑब्टेन डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ अल्काइल और अराइल हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव्स। आपने अल्काइल और अराइल डेरिवेटिव्स कौन से लिए हैं, उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप जो सिलिकॉन्स बना रहे हो, जो सिलिकॉन्स आप सिंथेसाइज कर रहे हो, वो सिलिकॉन्स आपके कौन से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे पहला, सबसे जो पहले पॉलीमराइजेशन देख रहे हो, देख रहे हैं अल्काइल ट्राइहाइड्रोक्सी सिलेंस का। अल्काइल ट्राइहाइड्रोक्सी सिलेंस undergoes polymerization and gives cross link two dimensions silicons. दोनों dimensions में आपको silicons मिलेगा, ठीक है। two dimensions silicons की बात कर रहा है भैया, दोनों dimensions में आपको silicons मिलेगा, cross link two dimensions silicon। तो यहाँ पर आप देखिए, आपने जो डेरिवेटिव लिया है वो क्या है, अल्काइल ट्राइहाइड्रोक्सी सिलेंस। ट्राइहाइड्रोक्सी मतलब एक जो सिलिकॉन है उसके ऊपर आपके तीन OH ग्रुप जुड़े हुए हैं, इट्स मीन इट्स इंड्यूस्ड थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ दी हाइड्रो ऑफ दी वॉटर ड्यूरिंग द पॉलीमराइजेशन, ठीक है। कैसे हुआ है हमारा, ठीक है, ये हमने लिया हमारा ट्राइहाइड्रोक्सी, जो हमारा हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव से बना था सिलेनॉल्स, वो लिया, और उसके पॉलीमराइजेशन हम लोगों ने जब करवाया, तो हम लोगों को यहाँ पे देखिए पूरी चेन में, आप यहाँ पर देखिए जो आपको प्रोडक्ट दिख रहा है उसमें आपके सेवन मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O रिमूव हो रहा है, सेवन मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O रिमूव हो रहे हैं, व्हाइल आपका जो पॉलीमर बन रहा है वो किसा बन रहा है, 2D एंड क्रॉस्ड लिंक्ड। अब देखो सिलिकॉन हर तरफ से किसी ना किसी के साथ में जुड़ा हुआ है, तो जब वो हर तरफ से किसी ना किसी के साथ में जुड़ा है तो क्रॉस्ड लिंक बना रहा है, वो टू डायमेंशंस बना रहा है, ठीक है। अब इसमें आपको जो OH छुटे हुए हैं, है ना, लेफ्ट OH है, वो जो OH है वो किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, वो जो OH है आपके वो बिहेव कर रहे हैं आपके किसकी तरह, जो छूटे हुए OH है वो आपके बिहेव कर रहे हैं एक्टिव ग्रुप्स की तरह, जो फर्दर क्या करेंगे, जो फर्दर पॉलीमराइजेशन करवाएंगे, ठीक है। तो देखिए, सिंस एक्टिव OH ग्रुप्स इन इज प्रेजेंट एट ईच एंड ऑफ द चेन, द पॉलीमराइजेशन कंटिन्यू ऑन द बोथ एंड्स, दिस रिएक्शन दिस
इंक्रीज लेंथ ऑफ द चेन टू प्रोड्यूस क्रोटलिंग सिलिकॉन्स एज सो ऑन इन द ब्लो। तो ये अगर आप देखो इस स्ट्रक्चर में, तो जो हमने ऊपर स्टेटमेंट लिखा उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जितने भी आपके फ्री ओ एच बचे हुए हैं, जितने भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप बचे थे, कितने बचे थे, 1, 2, 3 एंड 4, 1, 2, 3 एंड 4, चार ग्रुप आपके बचे थे। ये चार ग्रुप फर्दर क्या करेंगे, उसको इनहांस करेंगे, उसकी एक्टिविटी, उसकी जो लेंथ है, उस लेंथ के डायमेंशन को और उसकी क्रॉस लिंकिंग को बढ़ाने के लिए वो क्या करेंगे, मदद करेंगे। ठीक है, तो ये पहला था हमारा टू डायमेंशन। अगर हम लोगों ने पहले केस में क्या लिया था, ट्राईहाइड्रोक्सी लिया था। अगर मैं डाईहाइड्रोक्सी लेता हूं, ठीक है, डाई अल्काइल हाइड्रोक्सी सिलेन अगर मैं लेता हूं, मैंने वहां पर डाई अल्काइल की जगह पर जो मोनो अल्काइल ट्राईहाइड्रोक्सी सिलेन लिया था, उसी जगह अगर मैं डाई अल्काइल डाईहाइड्रोक्सी सिलेन लेता हूं, तो उस केस में मुझे दो तरह के पॉलीमर्स मिलते हैं, एक स्ट्रेट चेन पॉलीमर मिलता है और एक साइक्लिक मिलता है। ठीक है, तो एक स्ट्रेट चेन पॉलीमर मिलेगा और कौन सा मिलेगा मुझे, साइक्लिक। तो देखो स्ट्रेट चेन जो पॉलीमर है उसमें हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं कि स्ट्रेट चेन हम लोग कैसे मिला। ठीक है, तो ये अगर मैं दो लेता हूं तो दो के केस में जो मुझे पॉलीमर मिल रहा है, एक वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा मेरा और वन वाटर का मॉलिक्यूल। देखिए आपके अगर आपने कौन सा लिया, डाई हाइड्रोक्सी, मतलब दो हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़े हुए ओनली, तो उस केस में आपका एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होने के साथ में जो आपका मॉलिक्यूल मिलेगा कैसा मिलेगा, स्ट्रेट चेन सिलिकॉन मिलेगा। यहाँ पर आपकी क्रॉस लिंकिंग नहीं होगी, क्या कैसा मिलेगा आपको, स्ट्रेट चेन सिलिकॉन मिलेगा, यहाँ पे क्रॉस लिंकिंग नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस लिंकिंग नहीं होगी, ये स्ट्रेट चेन पॉलीमर हो गया आपका। ठीक है, सेकंड वन अगर इसी में हम लोग देखें तो हमें इसका एक साइक्लिक भी मिलता है, थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ अपने अगर डाईहाइड्रोक्सी सिलेनॉल से लिया है तो उस केस में आपको साइक्लिक पॉलीमर भी मिल सकता है। ठीक है, जिसमें आपके कितने मॉलिक्यूल्स वाटर, कितने मॉलिक्यूल्स रिमूव हो रहे हैं, थ्री H2O मॉलिक्यूल्स रिमूव हो रहे हैं। व्हाइल स्ट्रेट चेन मिल रहा था तो उसमें कितने हो रहे थे आपका, सिर्फ एक मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा था। अब यहाँ पे एक चीज ये देखिए आप कि जो आपका ट्राईसाइक्लो डाई अल्काइल सिलेक्शन मिल रहा है, ये आपका फर्दर पॉलीमराइज नहीं हो सकता, इसको आप फर्दर पॉलीमराइज नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कोई एक्टिव साइट ही नहीं बची है आपकी। व्हाइल इन द केस ऑफ स्टेट चेन आप उसको फर्दर पॉलीमराइज कर सकते थे। ठीक है, तो इसको आप फर्दर पॉलीमराइज नहीं कर सकते हो, ये साइक्लिक सिलिकॉन। बट अगर आप देखें आप सिर्फ टू मॉलिक्यूल्स को लेते हैं, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ट्राई अल्काइल मोनोहाइड्रोक्सी सिलेन, तो आपने डाईहाइड्रोक्सी के केस में देखा कि आपको स्ट्रेट चेन मिल सकता है, साइक्लिक मिल सकता है, आपने ट्राईहाइड्रोक्सी केस में देखा कि आपको क्रॉस लिंक डायमेंशन 2D वाला पॉलीमर मिलता है। व्हाइल इन द केस ऑफ ट्राई अल्काइल मोनोहाइड्रोक्सी सिलेन में आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही टू मॉलिक्यूल्स आपके सिर्फ ज्वाइंट हो सकते हैं सिलिकॉन्स के, और वो आपको जो पॉलीमर बनता है वो क्या हो जाएगा आपका, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ट्राईहाइड्रोक्सी मोनोहाइड्रोक्सी सिलेन्स R3SiOH अंडरगोस द पॉलीमराइजेशन टू प्रोड्यूस अ स्ट्रेट चेन सिलिकॉन्स, जो बनेगा वो आपका स्ट्रेट चेन सिलिकॉन्स मिलता है। तो इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। देखिए स्ट्रेट चेन सिलिकॉन में आपने टू मॉलिक्यूल्स लिए हैं R3SiOH मॉलिक्यूल्स के, और आपको स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल्स मिलता है। ठीक है, जो यहाँ पर वही बुक्स हैं जो हम लोगों ने पहले डिस्कस की हैं, उन बुक्स में आपका सारा मटेरियल लिया अवेलेबल है, बुक्स बहुत अच्छी हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं आप लोगों के लिए। पहला क्वेश्चन है द SiOSi लिंकेज फाउंड इन, किसमें मिलती है SiOSi लिंकेज। तो सबसे पहला ऑप्शन है बोराजीन, बोराजीन से तो आपको याद आ रहा होगा क्योंकि हमने पहला लेक्चर हम जब देखा था तो पहले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था बोराजीन को, हम लोगों ने सॉरी सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने बोराजीन को पढ़ा था, तो वहां पे बोराजीन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था B3N3S6। तो B3N3S6 मतलब उसमें तो सिलिकॉन है ही नहीं, इसलिए ये ऑप्शन तो हमारा बनता ही नहीं है। सेकंड वन ऑप्शन है आपका सिलिकॉन्स, तो सिलिकॉन्स का जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो मैंने वहां पे आपसे बोला था, पहले ही सेंटेंस में बोला था कि SiOSi लिंकेज हमारी किसमें मिलती है, सिलिकॉन्स में। ठीक है, तो आंसर तो आपको भी समझ में आ ही गया होगा। कार्बोरेंस जैसे नाम्स, अभी हम कार्बोरेन हमारे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे जो आपका 6th लेक्चर होगा उसमें, तो कार्बोरेंस में तो होगा नहीं क्योंकि इसमें कार्बन और बोरोन होते हैं। ठीक है, ए एंड सी,
ए तो हमारा हट ही गया था पहले से ऑप्शन, सी हमारा होगा नहीं, ठीक है, ऑल इसलिए ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर इज बी ऑप्शन सिलिकॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और फ्रेम किया हमने, सिलिकॉन्स में भी रिप्रेजेंटेड बाय आर एन एस आई 4 - n/2m वेयर एन वरीज फ्रॉम, कहां से कहां तक वरी करता है आपका एन, जो फॉर्मूला है उसमें 0 to 1, 2 to 3, 0 to 3, 1 to 2 और ऑल। तो जैसे कि हम लोगों ने आज सुबह डिस्कस किया था, सुबह नहीं आई मीन से जब इस लेक्चर को मैंने स्टार्ट किया तभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो आपका एन होता है वो वरी करता है 0 to 3, मतलब एन है वो आपका आर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, ठीक है, अगर आर अल्काइल है तो हाइड्रोजन भी हो सकता है ना, ठीक, अल्काइल नहीं भी हो तो भी आपका पॉलीमर है, पॉलीमर तो आपका होगा, तो 0 to 3 हो सकता है। अगर जैसे मोनो अल्काइल ग्रुप होते सिलेंस जब हम लोग सिंथेसाइज किए तो इनकी वैल्यू 1 हो गई थी, डाई किए थे तो इनकी वैल्यू 2 हो गई थी, और ट्राई किए थे तो हम लोगों ने इनकी वैल्यू 4 हो गई थी। टेट्रा क्यों नहीं करते, क्योंकि टेट्रा करोगे तो फिर कोई पॉलीमराइजेशन वाली उसमें यूनिट ही प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है, उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर आपको कहीं पे कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप उसके लिए मुझे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ द सिलिकॉन्स, एंड देन आफ्टर हम लोग बोरेन की बात करेंगे, जो बोरेन है, बोरेन हमारे कौन कौन से होते हैं, क्या क्या बोरेन है, उन सब की हम लोग बात करेंगे। ठीक है।